हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल रेसिपी, जिसका नाम है दानेदार कलाकंद बर्फी। इसे मैं वाइट कलर में बना रही हूँ और एक कप दूध से बना रही हूँ। आई होप आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं कलाकंद बर्फी। पूरा टेस्ट के अकॉर्डिंग 50 ग्राम पनीर और 1 कप मिल्क पाउडर। चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। मैं लूंगी इस तरह का एक नॉनस्टिक पैन। इसमें मैं डालूंगी 1 कप दूध। इस कलाकंद बर्फी को मैं केवल 1 कप दूध से बना रही हूँ और इस दूध के अंदर मैंने इलायची को पहले ही मिक्स कर लिया है। ऑन करने से पहले ही हमें यह प्रोसेस करना है। अच्छी तरह से मिक्स करें। यदि आप इस प्रोसेस को गैस पर ऑन करके करेंगे तो जो मिल्क पाउडर है उसमें लंप्स बन जाएंगे और हमारा जो कलाकंद है वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगा। आप इसे मिक्स करें। कोई भी एसेंस यूज कर सकते हैं। मैंने इलायची पाउडर का यूज किया है, जिसे मैंने दूध में पहले ही मिक्स कर लिया है। अभी हमारा मिक्स हो गया है। हल्के फुल्के जो लंप्स रह गए हैं वो हम जब गैस ऑन करेंगे तब मेल्ट हो जाएंगे। अब मैं लूंगी पनीर। पनीर को करेंगे हम ग्रेट। आप हाथ की हेल्प से भी कर सकते हैं। मैं 50 ग्राम पनीर ले रही हूँ। आप इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ग्रेटर की हेल्प से इसे क्रश कर लीजिए। पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है। इस पैन में मैं ग्रेट किया हुआ पनीर डाल दूंगी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम करेंगे गैस को ऑन। गैस को मैंने ऑन कर लिया है, लो फ्लेम रखेंगे और मैं इसे कंटिन्यू इसी तरह से मिक्स करूंगी जब तक कि हमारा थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। इस बर्फी को बनाने में 5 से 6 मिनट का ही समय लगता है। इस कलाकंद बर्फी को मैं केवल 1 कप दूध से बना रही हूँ और इसे हम दानेदार कलाकंद की बर्फी बनाएंगे। त्योहारों की भाग दौड़ में इस इंस्टेंट बर्फी को एक बार जरूर ट्राई करें। यह तुरंत बनकर तैयार हो जाती है और खाने में काफी टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसी तरह से मैं लगातार 5 से 6 मिनट इसे पकाऊंगी। अब मुझे पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह ठीक भी हो गया है। इस स्टेज पर मैं डालूंगी बूरा। आप इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। मैं 1/2 कप बूरा डाल रही हूँ। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करें। ये कलाकंद बर्फी कम दूध में ही काफ़ी सारी बनकर तैयार हो जाती है। तो आप भी इस रक्षाबंधन इस कलाकंद बर्फी को एक बार जरूर ट्राई करें। आई होप आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मैं इसे लगातार 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी। फिर मीडियम फ्लेम रखें। पनीर पकाकर इसे इस तरह से तैयार कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह काफ़ी ठीक हो गई है। अब वो खास चीज जिससे कि हमारी बर्फी एकदम दानेदार बनकर तैयार होगी कलाकंद की। 1-2 ड्रॉप्स नींबू का जूस, इसमें मैं 1 चम्मच पानी मिला लूँ। इस नींबू के पानी को मैं इसके अंदर 1-1 ड्रॉप्स करके डाल दूंगा ताकि ये हमारा दानेदार बनकर तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, हमें इसे एक साथ नहीं डालना, इसे 1-2 ड्रॉप्स करके ही डालना है। अब इसे कंटिन्यू मिक्स करें।
इस टाइम पर हमें फ्लेम को बिल्कुल भी हाई या मीडियम नहीं करना, हमें इसे लो फ्लेम पर ही रखना है, वरना यह हमारा नीचे से लग सकता है। लगातार आप इसे इसी तरह से पकाइए, ठीक है, वो एकदम दानेदार और सॉफ्ट बनकर तैयार हो। हमारी कलाकंद भर्ती का मिक्सर तैयार हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी भर्ती कितनी का जो मिक्सचर है कितना दानेदार है। अब हम करेंगे इसे ठंडा और एक अब मैं लूंगी इस तरह की एक थाली जिसमें कि हम कलाकंद भर्ती को जमाने वाले, 1-2 ड्रॉप्स इसके अंदर हम घी डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर लेंगे ताकि हमें बर्फी को निकालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए इसके अंदर डाल देंगे, इस तरह से डाल दीजिए। ये बर्फी कम सामान में ही काफी टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है। अब स्पैचुला की हेल्प से मैं इस सारी बर्फी के मिक्सर को इस तरह से जमा लूंगी। आप इसे किसी भी ट्रे में भी जमा सकते हैं और किसी भी लंच बॉक्स में भी जमा सकते हैं। इस तरह से इसे स्पैचुला से सेट कर लीजिए। ये बर्फी इतनी दानेदार बनकर तैयार होती है कि आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, आपकी बर्फी भी इतनी ही दानेदार बनकर तैयार होगी। थाली के अंदर सेट कर लिया है। मैं लूंगी केसर के कुछ धागे, आप इसकी जगह और भी किसी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से कलाकंद बर्फी के ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। ये लुक वाइज भी अच्छे लगेंगे और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी जब आप इसे खाएंगे। स्पैचुला से एक बार हल्के से इसको प्रेस कर दीजिए ताकि ये इसके ऊपर चिपक जाए। अब हम करेंगे इसे 20 से 25 मिनट के लिए ठंडा। अब हमारी बर्फी को जमे हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब ये पूरी तरह से ठंडी हो गई है। अब हम इसे कट करेंगे। कट करने के लिए मैं लूंगी एक नाइफ और साइड से हम इसे डीमोल्ड करेंगे ताकि हमारी इजीली निकल जाए। पीस आप अपनी इच्छा से छोटे बड़े रख सकते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं जब मैं इसे काट रही हूँ तो यह कितनी इजीली कट रही है और एकदम मुंह में घुल जाने वाली दानेदार कलाकंद बर्फी बनकर तैयार हुई है। आप भी इस रक्षाबंधन इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और यह इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाती है। आप भी अपने भाइयों के लिए घर पर ही इस रेसिपी को ट्राई करें। इन बर्फी के पीसों को निकाल लेंगे, आप चाहें तो इसमें भी सर्व कर सकते हैं। इस तरह की एक सर्विंग प्लेट, इसमें मैं बर्फी के पीस को रख लूंगी। ये देखिए गाइस, हमारी कलाकंद बर्फी कितनी दानेदार बनकर तैयार हुई है। इन बर्फी के पीसों को चाकू की हेल्प से निकालते जाइए और रखते जाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कितनी अच्छी कलाकंद बर्फी बनकर तैयार हुई है। इसे निकालना बिल्कुल इजी है, आप बिना चाकू के भी इसे निकाल सकते हैं। इस तरह से मैं सभी बर्फी के पीस इस सर्विंग प्लेट में रख लूंगी। जैसे मैंने दानेदार कलाकंद की बर्फी को बनाकर तैयार कर लिया है मात्र 1 कप दूध से। आई होप आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि इसी तरह की
रेसिपीज मैं आप सबके लिए लेकर आती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।